हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सैमसंग टीवी में पैरेंटल लॉक फीचर्स को कैसे यूज़ करेंगे। सो आज जो है पैरेंटल लॉक फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर हो जाता है, बिकॉज आप के अब घर पे हो नहीं, आप ड्यूटी पे हो और आपके बच्चे जो आपके बिहाफ में क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्मार्ट टीवी है और यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज है, बहुत सारे एडल्ट कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आप चाहते हैं आपके बच्चे ना देखें। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है पैरेंटल कंट्रोल। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है आपका पूरा जो है कंटेंट गाइड के अंदर, ये कंटेंट गाइड में देख रहे हो, ये पूरा एप्लीकेशन सारे कंटेंट जो है ओपन है, राइट। तो यहाँ पे सारे कंटेंट ओपन है। अभी मैं दिखाता हूँ पैरेंटल कंट्रोल को कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जानिए सेटिंग में, और यहाँ पे जाएं सेटिंग, ये देख रहे ब्रॉडकास्ट, और एक देख रहे प्रोग्राम रेटिंग लॉक। तो यहाँ पे जो आपका पिन है, ये पिन जो है हमने ओके कर दिया। और यहाँ पे एज, सो आपके घर में जिस भी एज का बच्चा है, तो आपके घर में सपोज 3 साल का है तो 3 साल का आप सिलेक्ट कर लें, 4 साल, 5 साल, 6 साल से लेकर के 18 साल तक का यहाँ पे एज वाइज आप लॉक कर सकते हैं। तो जो भी एज आप सिलेक्ट करोगे उस एज के अकॉर्डिंग ही कंटेंट यहाँ पे विजिबल होगा, बाकी कंटेंट जो होंगे लॉक हो जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सपोज 8 ईयर्स आपके बच्चे का एज, सो यहाँ पे इसको कैसे दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे कंटेंट गाइड के अंदर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कंटेंट है वो क्या हो गया, ये लॉक हो चुका है बहुत सारे, अब देख रहे हैं जो पहले लॉक नहीं था, तो यहाँ पे ये लॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पैरेंटल लॉक फीचर्स आपको हेल्प करता है आपके बिहाफ पे, अगर आप घर पे नहीं हो और आपके बच्चे को आप क्या देखेंगे आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरा जो यहाँ पे एप्लीकेशन आप चाहो तो लॉक भी कर सकते हैं, सो ऐप लॉक के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। सो ऐप लॉक बहुत सारे एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं आप। तो ऊपर में सेटिंग में जानी है और यहाँ पे सेटिंग में देखेंगे, ये देख सकते हैं, सपोज़ आप चाहते हो कि मैं प्राइम वीडियो को मैं लॉक करके रखना चाहता हूँ, तो लॉक यहाँ पे कर दें आप, यहाँ पे जाएं और ये लॉक कर सकते हैं, ये जो है लॉक कर दिया। तो देख सकते हैं ये जब भी आप ओपन करेंगे प्राइम वीडियो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड जिसको मालूम है सिर्फ वही इसको यूज़ कर सकता है, ओपन कर सकता है, बाकी के लिए ये लॉक है। अभी यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये 40 जो पासवर्ड है वो कॉमन पासवर्ड है, तो इस पासवर्ड को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज करनी है पासवर्ड को। तो इस पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको जानी है सेटिंग में जाएं, और यहाँ पे देख रहे हो जनरल, तो यहाँ पे जाएंगे आप सिस्टम मैनेजर, और यहाँ पे देख रहे हैं चेंज पिन। तो चेंज पिन के अंदर आपको जो अभी जो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पिन ये 40 ही होता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, इसको आप चाहें तो न्यू पिन जो है आप रख सकते हैं। सो सपोज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं न्यू पिन रख देता हूँ, तो आप जो भी पिन है आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो है पिन चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप पिन चेंज कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कोई भी कंटेंट जो है अगर आप ओपन करते हो, जैसे मैं इसको ओपन करना है, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये पिन मांग रहा है, अगर बस 40 डालोगे तो नहीं लेगा, देख लेकिन इनकरेक्ट दिखा दिया। तो ये पिन जो हमने न्यू चेंज किया, ये जिसको मालूम हो गया ये वही ओपन कर पाएगा, बाकी के लिए कंटेंट क्या हो गया, लॉक हो गया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को आप सैमसंग टीवी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो फीचर्स होंगे मे बी आपको सैमसंग के सिलेक्टेड टीवी में ही मिले, सारे टीवी में ना मिले। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइम वीडियो जो है ये ऐप लॉक शो कर रहा है यहाँ पे, इसको भी जैसे आप ओपन करोगे ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड आपको मांगेगा ये। तो इस तरीके से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड हटाना है तो सेम आपको क्या करनी है, ऐप स्टोर के अंदर जाएं, और ऊपर में आप सेटिंग में देख रहे हो यहाँ पे, सो ये जानी है प्राइम वीडियो पे, और यहाँ पे जाएं और देख रहे हैं अनलॉक, इस अनलॉक ऊपर जा करके क्या कर सकते हो, आप इस पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये लॉक जो था वो हट चुका है। अभी पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करनी है, वापस सेटिंग पे जाएं, ये ब्रॉडकास्ट के ऊपर जाएं, और प्रोग्राम रेटिंग लॉक जो है यहाँ पे
इसको आप अलाउ ऑल कर दें। हमने अलाउ ऑल कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ कि कंटेंट गाइड जो है अभी देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंटेंट जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो सारा ही ओपन हो चुका है यहाँ पे जो पहले लॉक था। वापस से पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के लिए क्या करनी है आपको, जनरल पे जाएं और सिस्टम मैनेजर चेंज पिन, और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड था अभी का वो हम एंटर कर दिए, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है हम रख देते हैं जो इसका था डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 40। राइट, तो ये वापस से अपने नॉर्मल मोड पे आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हेल्प हुई होगी। तो देखते रहे वीडियोस। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।